दोस्तों कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास है कार्तिक का महीना सभी अन्य महीनों में सबसे ज्यादा उत्तम है शरद पूर्णिमा के बाद से ही कार्तिक महीने का शुभारंभ हो जाता है सभी माह में कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ माह माना गया है यह महीना पाप का नाश करके व्यक्ति के सभी संकटों को दूर कर देता है और धन सुख समृद्धि शांति और निरोगता को प्रदान करता है कार्तिक के पूरे महीने में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही प्रचलन है और बहुत बड़ा महत्व है इस महीने में प्रत्येक व्यक्ति को जितना संभव हो सके पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए यदि किसी कारण से आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो गंगा या यमुना नदी या फिर किसी भी पवित्र नदी के थोड़े से जल को अपने नहाने के पानी में मिला करके उससे स्नान करना चाहिए क्योंकि दोस्तों कार्तिक मास में ही हरि जल में निवास करते हैं और अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा बरसाते हैं यही नहीं बल्कि कार्तिक मास में व्रत और उपवास का भी बहुत बड़ा महत्व है इसके अलावा कार्तिक महीने में दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है नदी तालाब आदि जगहों पर दीप का दान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से भी मुक्त हो जाता है इस महीने में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होता है और सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान हो जाता है इस महीने में तुलसी की पूजा सेवन और सेवा करने से बहुत ही ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होती है सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाती है इस कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है तुलसी पूजा का महत्व होने के कारण तुलसी की पूजा करने से आपको इसका फल कई गुना होकर के मिलता है कहा जाता है कि कार्तिक महीने में उड़द मूंग मसूर चना मटर राई आदि नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज मांसाहार यानी कि तामसिक वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए इस महीने में जो नरक चतुर्दशी पड़ती है जिसे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से भी जोड़कर देखा जाता है यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी भी कहा जाता है उसे छोड़ करके अन्य दिनों में तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए कार्तिक मास में इंद्रिया संयम में रख करके ब्रह्मचार्यता का पालन अति आवश्यक बताया गया है इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फलों की प्राप्ति भी होती है इंद्रिया संयम में रखें और अन्य बात है। जैसे कि कम बोलें, किसी की भी निंदा या विवाद नहीं करना चाहिए मन पर संयम रखें खाने के प्रति आशित ना, रहें, ना ही अधिक सोए और ना ही जागे इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है कहा जाता है कि कार्तिक महीने में दान का भी बहुत बड़ा महत्व है इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न वस्त्र आदि का दान जो भी व्यक्ति करता है उसे कई हजार गुना होकर के इसका फल प्राप्त होता है कार्तिक के महीने में तीर्थ स्थानों पर जाकर के पूजा करना गंगा की पूजा करना विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान की पूजा या फिर उनके लिए यज्ञ और हवन का भी बहुत बड़ा महत्व है इस दिन चंद्रोदय पर शिव संभूति संतति प्रीति अनुसूया और क्षमा इन छह कृतियों का अवश्य पूजन करना चाहिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो भी व्यक्ति इन सभी कार्यों को नहीं कर पाता है वो एक छोटे से उपाय को भी कर लेता है तो उसकी सभी समस्याओं के अंत होने के साथ ही उसे मनोवांचित फल की प्राप्ति भी होती है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी के घर में मंदिर तो अवश्य होगा जहाँ पर आप नित्य प्रतिदिन भगवान को याद करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं उन्हें भोग लगाते हैं लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता कि आपके घर में एक नहीं दो मंदिर हैं जी हाँ दोस्तों एक मंदिर तो वह जिसमें आप बैठ करके पूजा करते हैं वह दूसरा मंदिर होता है आपके घर का रसोई घर जी दोस्तों आपके घर में जो रसोई घर होता है वह एक प्रकार का मंदिर होता है जहां पर भगवान के लिए भोग बनता है आपकी आत्मा को तृप्ति देने के लिए आपके लिए भोजन बनता है और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद के सहित वहां पर हर रोज खाना बनता है दोस्तों इसी प्रकार से आपके घर में जो किचन होता है वहां पर आपके अगर पॉजिटिव एनर्जी है यानी सकारात्मकता है तो आपके पूरे घर में उनके दिल दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ता है वो यदि आपके घर के जो किचन है वहां पर नेगेटिव एनर्जी है यानी कि नकारात्मकता फैली हुई है तो आपके परिवार पर भी इसका असर अवश्य होता है इसीलिए आपको हो सके उतना अपने घर के मंदिर व घर की किचन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर का किचन बनवाना चाहिए और अगर आप किसी किराए के मकान में है या फिर आपका पहले से ही बना हुआ किचन है तो ऐसे में आप भिन्न भिन्न उपाय करके अपने जीवन को संवार सकते हैं और हर प्रकार के दोषों से दूर हो सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेकों उपाय कर सकते हैं टोटके कर सकते हैं वैसे ही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपने घर में जो गेहूं का आटा होता है उसके डब्बे में छुपा दे ये एक चीज आपका पूरा का पूरा परिवार ही चमक जाएगा पैसों की तो रेल लग जाएगी जी हाँ दोस्तों अगर आपके मन में सकारात्मक विचार हो तो आपके कर्म भी अच्छे होते हैं और यदि आपके कर्म अच्छे हों तो आपको अपने कर्मों के अनुसार सुफल प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों वे आपके कर्म ही तो हैं जो आपको जीवन में सफल बनाते हैं या फिर विफल बनाते हैं आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करेंगे या फिर आप अपने जीवन में सफलताओं की बुलंदियों को चूमेंगे ये सभी आपके कर्म ही आपके लिए निर्धारित करते हैं वहीं अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अपने जीवन में कामयाबी को छूते ही चले जाते हैं और अगर आपके कर्म खराब है तो आपको नीचे की धूल चाटने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों अपने कर्मों को अच्छा बनाने के लिए आपके संस्कार और आपका मन मस्तिष्क में अच्छे विचार सकारात्मकता को करना आपके लिए उतना ही अनिवार्य होता है जितना कि आपके लिए प्रतिदिन आपकी भूख प्यास को मिटाने के लिए भोजन करना अनिवार्य होता है इसीलिए आप जिस प्रकार से अपने घर में गेहूं का आटे का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए अपनी तृषा को मिटाने के लिए अपनी भूख को मिटाने के लिए तो दोस्तों क्यों ना एक ऐसा उपाय किया जाए जो कि आपके लिए गेहूं के आटे से ही संबंधित हो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको गेहूं के आटे में एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो अगर आप छिपा देते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी विफल नहीं होंगे दोस्तों गेहूं के आटे से ही मिलकर बनती है रोटी अगर आपके गेहूं के आटे में ही सकारात्मकता भर जाए तो आपकी रोटी और उससे आपको मिलने वाली ऊर्जा जो कि आप खाएंगे तो आपके मस्तिष्क को और आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी वो एक सकारात्मक ऊर्जा होगी और आपके कर्म अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर पाएंगे दोस्तों पुराने ही वैदिक काल से तांबे को बहुत ही शुभ माना जाता है इसीलिए पुराने समय में तांबे के बने हुए बर्तनों का उपयोग किया जाता था चाहे पानी पीने के लिए हो देव को जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा हो तांबे का गिलास से आपको खुद पानी पीना हो पक्षियों को पानी पिलाने के लिए भी तांबे के बर्तनों का या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था इसीलिए दोस्तों क्योंकि तांबे के बर्तन में रखे हुए चीज इतनी ऊर्जावान हो जाती है कि जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं आजकल की जीवन शैली में लोग स्टील या फिर प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए इतनी बीमारियां और नकारात्मकता फैली हुई है आपको अगर हो सके तो एक तांबे का बड़ा सा बर्तन लेकर आए और उसके अंदर अपने गेहूं का आटा रखें। अगर आपके लिए संभव ना हो इतना बड़ा तांबे का बर्तन लाना तो आप छोटा सा कोई बर्तन लें और उसके अंदर आप अपने रोज का खाना बनाने वाला आटे को एक दिन पहले तुम तो भरकर रख दें और अगले दिन उसमें से आटे को निकालकर गूंथे और घर में खाना बना के खिलाए अगर आपके लिए यह भी संभव ना हो तो आप कोई तांबे का छोटा सा छल्ला ले आए और जिस भी बर्तन में आपने अपने गेहूं का आटा रखा हुआ है उसमें आप बीच में उसे रख दीजिए उस तांबे के छल्ले को उसमें रख दीजिए दोस्तों तांबा बहुत ही पावरफुल एक धातु होता है जिसकी वजह से फेस बेहद ही शुद्ध भी होता है जिसकी वजह से आपके पूरे गेहूं के आटे में सकारात्मकता और ऊर्जावान हो जाता है और उसके बने हुए आटे से बने हुए जो भोग होता है यानी कि जो खाना होता है जिसका आप भोग लगाते हैं गाय को खिलाते हैं वह स्वयं भी ग्रहण करते हैं वह बहुत ही ऊर्जावान हो जाता है इस उपाय करने से आपके साथ साथ आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं वे पूरे समाज में एक मान सम्मान का जीवन जिएंगे। सभी कठिनाइयों का अंत स्वतः ही हो जाता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको स्वतः ही मिल जाता है क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी सकारात्मक सोच आपको अच्छे कर्म करने के लिए मजबूर करती है और अच्छे कर्म करने वालों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले जय बजरंग जय माता दी हर हर महादेव